नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। और आप देख रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 11, क्योंकि अब नेट में 64 डेज ही बाकी हैं। मैं आपको प्रीवियस 2 दिन पे वीडियो नहीं दे पाया था, तो मैंने 2 दिन में ये दो आज के दिन पे दो वीडियो डालने का फैसला किया, क्योंकि मैं 2 दिन आपके लिए मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स बना रहा था अन अकेडमी पे, जिसके लिंक और वीडियोज़ मैंने शेयर किए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस के 10 लेसन हैं। आप पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। मार्केटिंग के 5 लेसन हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ आपके पेपर वन की सीरीज़ के पार्ट 10 पिछले अगर आपने नहीं देखे हैं, और पेपर वन की अन अकेडमी पे सीरीज़ है जिसके 40 क्वेश्चन है, जिसके अंदर मेन वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि इन कम्युनिकेशन मिथ हैव पावर बट आर, संचार में मिथकों में शक्ति होती है लेकिन है, इनमें से कौन से होते हैं। इन कम्युनिकेशन मिथ हैव पावर, अगर कम्युनिकेशन में जो मिथ होते हैं उनमें पावर होती है, लेकिन वो क्या होते हैं, अनकल्चरल होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं, इम्प्रिसाइज होते हैं या अनप्रेफर्ड होते हैं। तो देखिए, जो जो मिथ होते हैं या जो जो रूमर्स कम्युनिकेशन में फैलते हैं वो इम्प्रिसाइज होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। आगे चलते हैं। द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया, भारत की पहली बहुभाषी समाचार एजेंसी कौन सी थी, समाचार एपीआई, हिंदुस्तान समाचार या समाचार भारती। तो ये थी आपकी समाचार, हिंदुस्तान समाचार। ये भारत की पहली बहुभाषी समाचार एजेंसी थी जिसमें बहुत सारी भाषाओं में न्यूज़ दी जाती थी। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी इक्वेटेड विद, संगठनात्मक संचार भी समझा जा सकता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ये ग्रुप कम्युनिकेशन है या मास कम्युनिकेशन। देखिए, जो संगठन में कम्युनिकेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होती है, उसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन का दर्जा मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसमें सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज रिसीव द विजिटर अवार्ड फॉर द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन फरवरी 2017। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा फरवरी 2017 में भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के लिए आगंतुक पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसे विजिटर्स अवार्ड मिला है, वो थी आपकी 2017 में JNU। ये क्वेश्चन आया था जी नवंबर के पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विजिटर अवार्ड 2017 में किसे मिला, विजिटर अवार्ड 2018 का नेट से निकाल लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 2018 पेपर में 2018 का विजिटर अवार्ड आ जाए। हु अमंग द फॉलोइंग, पांचवें क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। ऐसे तरह के क्वेश्चन नेट में 100% आते हैं, और ये भी नवंबर 2017 का क्वेश्चन है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छा है, डिफिकल्टी भी है। और अगर आपको और भी मुश्किल क्वेश्चन करने हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में अकेडमी वाली प्रोफाइल का लिंक है, उसमें 40 बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, टॉप डिफिकल्टी लेवल भी मैंने उस पर इसीलिए लिखा है। तो इसमें देखते हैं, संसद प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे हटाया जा सकता है, हाई कोर्ट के जज को, गवर्नर ऑफ द स्टेट को, या फिर आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। देखिए, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है ना, वो संसद प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। अगर आपको ये बात याद रखनी है तो मैं आपको एक वो देता हूँ, नॉर्मल सा एक पॉइंट जिससे आपको बात याद रहेगी। केजरीवाल और LG के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था, तो केजरीवाल लगातार ये मांग कर रहे थे कि राष्ट्रपति LG को हटा दें। तो इस विवाद के कारण आपको याद रहेगा कि गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है उसे हटाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अभी तक नहीं किया, ताकि हमारी वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ साथ बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। फॉलो कीजिए मुझे अनअकैडमी में, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे कोर्स मैं लाता हूँ जिससे आपकी स्टडीज़ में हेल्प होती है। वहाँ कोर्सेज से आपकी हेल्प हो जाती है कि वहाँ जो भी मैं वीडियोज़ लाता हूँ, इकट्ठे 5 या 6 वीडियोज़ डालता हूँ, तो होता क्या है कि आप पूरा का पूरा कोर्स प्रिपेयर कर पाते हो। यहाँ मैं आपको पेपर वन कॉमर्स मैनेजमेंट की क्लासेस देता हूँ, और आपको अगर और प्रिपरेशन करनी है तो प्लेलिस्ट में लिंक देखिए, अलग अलग प्लेलिस्ट के जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे उससे तैयारी कीजिए, क्योंकि आप दिसंबर में अब इतना ज़्यादा समय नहीं है, तो प्रिपरेशन को बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।